Tonight is going to be the last night in India, in my home, in my bed. ये मेरी आखिरी रात होने वाली है. So finally vlogging after I think almost 7 very long days because अब तक मैं kind of break पे था but आज से शुरू होते हैं daily vlog जब तक मैं कर पाऊँ. So welcome back to my channel everyone. I hope everybody is doing great. I just set my hairs or plus ये भी उड़ाना है. So और डेली व्लॉग से मेरा मतलब है कल है हमारी फ्लाइट. सो बैक टू बैक अब से डेली व्लॉग शुरू हो जाएंगे. होपफुली शुरू होंगे बिकॉज टाइम डिफरेंस बहुत सारा होने वाला बिकॉज विल बी ट्रैवलिंग थ्रू मेनी कंट्रीज इसीलिए. एनी और अभी हम लोग फाइनली जा रहे हैं हमारा RT-PCR टेस्ट करवाने बिफोर आवर फ्लाइट जो कि नेसेसरी है. आज पता नहीं फॉर सम वियर्ड रीजन हमारा RT-PCR टेस्ट हुआ. दैट वॉज सो ईजी. मतलब लाइक लिटरली ऐसे गए अंदर स्टिक बाहर आए पता भी नहीं चला कब ऐसे पता चला था. लिटरली फेल दैट थिंग. आज का तो लाइक RT-PCR वॉज सो क्विक एंड सो ईजी. बिल्कुल भी वो खांसी नहीं है और बिल्कुल भी कफ वफ इन शॉर्ट कुछ हुआ है नहीं. तो एकदम ईजीली आज का हमारा टेस्ट हुआ. फाइनली सब पैकिंग खत्म हो ही गई है. एवरी सिंगल बैग इज पैक्ड. So I'm just finishing some remaining work. Almost अभी सारा काम हो ही गया है. और भाई तो ये हमारा एक और पार्सल भी रेडी हो रहा है जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस पर कुछ डब्बे हैं एंड सो आई हैव ऑल दैट. सो वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू पैक. मैं कुछ बैंक के ही आखिरी काम खत्म करने लगा हूँ. मुझे आज के दिन से वो दिन की याद आ गई है जब ऐसी जब थी उसके लाइक प्रीवियस डे मैं लिटरली यहाँ से वहाँ इतना भाग रहा था ना सारे काम के चक्कर में. और आज भी कुछ ऐसी सिचुएशन है बहुत सारे काम पेंडिंग में और वो सारे आज खत्म करने. सब में से सबसे इम्पोर्टेंट काम है मेरे माइक्रोफोन की बैटरी लेने जाने के लिए बिकॉज अब तक मुझे 9 वोल्ट की बैटरी मिली ही नहीं. उस दिन के बाद आई जस्ट हैव वंस लास्ट एक्स्ट्रा स्पेयर बैटरी. उसके बाद अगर वो बैटरी खत्म हुई तो माइक डेड. मतलब माइक लिटरली डेड हो जाएगा. आई डोंट नो कि मैंने पहले ब्लॉग में ऐड किया कि नहीं बट कल मेरी और श्रेया की फाइनली फ्लाइट है टू कैनेडा. कल जब तक मेरा ब्लॉग रिलीज होगा तब तक तो हम नहीं पहुँचे होंगे बटिया. तब तक हम फुल भाग दौड़ में होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज कल सुबह सुबह ये ब्लॉग 10 बजे रिलीज होगा. देन उसके बाद हाँ सीधा हम लोग दोपहर को निकलने वाले हैं टू अहमदाबाद बिकॉज कल हमारी फ्लाइट होने वाली है अहमदाबाद एयरपोर्ट से. यानी लास्ट में से लिटरली अंदर से मुझे फील नहीं हुआ कि आई एम गोइंग कनाडा बिकॉज कोविड का इतना बड़ा घर पे सीन था. देन उसके बाद पता नहीं इट वॉज ए फीलिंग और आज अभी लिटरली फील आ रहा है कि कल मेरी फ्लाइट है. फिर से अभी वही सेम दुख भरी कहानी है कि 9 वोल्ट की बैटरी अगेन मुझे कहीं भी नहीं मिली. 3 से 4 शॉप से मैंने यहाँ पे सब जगह पे ट्राई किया लेकिन कहीं भी 9 वोल्ट की बैटरी अवेलेबल है नहीं. सिर्फ एक ही है जो कि है HIW. पता नहीं वो चाइनीज बैटरी मेरा पीछा छोड़ नहीं रही बट कोई नहीं अभी और शुरू रखता है एक्सप्लोरेशन ढूंढते हैं. इट्स 4:55 और अब जाके मैं घर पहुँचा हूँ फ्रॉम द लास्ट 3 आवर्स. में बाहर पे सारा काम मैं खत्म कर रहा था और होपफुली सारा काम खत्म हो गया है एक्सेप्ट वन इम्पॉर्टेंट वर्क जो कि है हमेशा वाला मेरी 9 वोल्ट की बैटरी. वो मुझे अब तक नहीं मिली बट कोई नहीं वो मैं रास्ते में से एयरपोर्ट पे से आया तो मैं कल हर्षिल को बोलूँगा भाई तू एयरपोर्ट पे लेके आया तो फिर कुछ ही कोई थर्ड कंट्री में से खरीद लूँगा. 22 kg, 22 kg, 22 kg, 22 kg, 6 kg and 6 kg. So that is the whole scene. Technically तो हम लोग 23 kg ले जा सकते बट मैंने लाइक फॉर अ सेफर साइड मैंने सब बैग्स को भी 22 kg भरा है और सब बैग में 1-1 किलो खाली रखा है बिकॉज प्रॉपर वेट करने के बाद भी वेट प्लस माइनस होगा. इसीलिए पर बैग 1 kg मैंने खाली रखा है और लाइक वो कैबिन बैग में से 7 kg लोड होता है बट मैंने सोची अभी तो 6 किलो ही भरा है उस भी 1 किलो खाली रखा है. और ये बात तो आज कहनी ही पड़ेगी दैट दिस मतलब लाइक टुनाइट इज गोइंग टू बी द लास्ट नाइट इन इंडिया इन माई होम इन माई बेड. ये मेरी आखिरी रात होने वाली है. रात को भी कुछ मिक्स्ड फीलिंग्स थी और अभी तो ऐसा कुछ है नहीं है मेरे अंदर बट या होपफुली रात को भी कुछ नहीं होगा बिकॉज रात को भी अगेन जो बाकी के सारे काम है वो सारे काम अभी ख़त्म करने से लिए लाइक बिजी हो रहा हूँ. सो लाइक मन डाइवर्ट हो रहा है कहीं और पे इसलिए उतना भी कुछ फील नहीं. सो फाइनली टाइम आ गया है मेरे अल्बर्ट लैब के लैपटॉप बैग को पूरा फिल करने का बिकॉज मैं लैपटॉप तो एकदम आखिर में रखने वाला हूँ बिकॉज एडिटिंग एंड एडिटिंग व्लॉगर है यूट्यूबर है तो उस लैपटॉप का काम तो एकदम लास्ट में होगा. 5 मिनट में ये मेरा पूरा बेड एकदम क्लियर हो जाएगा बिकॉज सारी चीज़ें डन हो गई है. अब सिर्फ कि आखिर में इतना ही कुछ पैक करना बाकी है. दैट्स इट. भाई जो मेरा आज का प्लान था कि मैं आज का मेरा व्लॉग शूट करने वाला था मतलब लाइक काइंड ऑफ पूरा मेरा पैकिंग व्लॉग के लाइक मैंने कौन से बैग में मैंने क्या सामान रखा है बट लाइक दैट वोंट बी पॉसिबल बिकॉज अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है. आई लिटरली हैव लाइक मैनी थिंग्स टू डू और सब में से सबसे इंपॉर्टेंट काम है मेरे कॉलेज के असाइनमेंट्स. लिटरली अभी मेरा आई थिंक 3 असाइनमेंट बाकी है कंप्लीट करने हैं आज रात को. सो लाइक आज रात को मैं आराम नहीं करूँगा आज रात को होंगे सारा असाइनमेंट का काम बट कोई नहीं. सो जस्ट हैविंग माई लास्ट डिनर एट माई होम एंड दैट इज माई फेवरेट आइटम खिचड़ी.
ध्यान से देख लो एक बार. एक्चुअली मैं ही खुद के लिए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ. एक्चुअली अभी मिक्स्ड फीलिंग्स नहीं कहूँगा मैं अभी. आई वुड से कि लाइक आई एम फीलिंग अ बिट काइंड ऑफ लो, या तो फिर लाइक अभी काफ़ी सैड फील हो रहा है बिकॉज घर को छोड़ के जा रहा हूँ, देन मेरी मॉम को सब को छोड़ के जा रहा हूँ एक लाइक पूरे ही नए कंट्री में, स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विद श्रेया. बट या लेट्स होप एवरीथिंग विल बी फाइन. फाइनली जा रहा हूँ मेरे और श्रेया का आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेने के लिए टू द लेबोरेटरी एंड होपफुली इट इज नेगेटिव. और अगेन मेरी हार्ट बीट बिल्कुल ही बढ़ गई है बिकॉज रिपोर्ट्स मुझे व्हाट्सएप पे तो आ गए बट मैंने अब तक वो ओपन नहीं किए. बस मैं वो हार्ड कॉपी सीधा मेरे हाथ में लूंगा रिपोर्ट्स की एंड दैट विल बी मच बेटर. अभी तो क्यूरियोसिटी और भी बढ़ती जा रही है मेरे अंदर के आखिर क्या होगा. वैसे तो आई नो के रिपोर्ट नेगेटिव ही होंगे बट स्टिल मुझे कहते नहीं चले कैसा 1% थोड़ा है प्लस ऑफ द रिपोर्ट के साथ. मुझे पता नहीं हो क्यों नहीं रहा. एंड गाइज एज एक्सपेक्टेड दिस रिजल्ट्स आर नेगेटिव. मतलब वी गाइज आर नाउ कोविड नेगेटिव. अब वी कैन इजीली फ्लाई टू कैनेडा इंडिया. काफ़ी मैं खुश हूँ और ऊपर वो एक्चुअली मुझे रिसेप्शन वो भैया ने बोल दिया कि आप नेगेटिव हो. हाँ बिकॉज नेगेटिव ही होना था बिकॉज कल हमारी फ्लाइट तो उन्होंने बोला कि क्या बात है तो आप ऑफकोर्स कल्याण हो गया आपको बिकॉज आपको वो लोग फ्लाइट पे सीट पे अंदर बिठा के जाएंगे कि आप लोग नेगेटिव हो. आई एम लिटरली वेरी हैप्पी कि फाइनली वी गाइस आर नाउ नेगेटिव एंड ये रहा हमारे रिपोर्ट्स हम दोनों के. वी गाइस आर कोविड नेगेटिव. ऑलराइट सो आई जस्ट शेयर वन थिंग दैट करंटली इट्स 11:40 और कल इस टाइम पे मींस 11:40 PM को कल रात को मींस संडे की नाइट को हम लोग होंगे अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर. आई थिंक हम लोग बोर्डिंग कर रहे होंगे या तो फिर हमारा सिक्योरिटी चेक चालू होगा या तो फिर पता नहीं क्या कुछ हो रहा होगा हमारे साथ. ना डॉक्यूमेंट एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ दैट कि हमारे साथ गाइज ये हो रहा है गाइज वो हो रहा है क्या बोलूँ बिकॉज अभी मेरे पास बस एक ही बात है बोलने को जो कि है मेरी मिक्स्ड फीलिंग्स. आई एम लिटरली फीलिंग वेरी सैड वेरी हैप्पी वेरी लाइक एक्साइटेड टू गो टू अ न्यू कंट्री. एक्चुअली टू गो टू 2-3 न्यू कंट्रीज. सो फाइनली दिस इज द लास्ट सामान जो मुझे ऐड करना है मेरी इन्हीं ट्रॉली बैग्स के अंदर. और ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैम और सर वो दोनों भी हमारे घर पे आके गए थे. मैं फिर हम लोग यहाँ से गए थे श्रेया के घर पे वहाँ पे मिल के आए और या ऐसा कुछ है अभी. एंड फाइनली अभी नाउ आई कैन ईजिली शो यू गाइज दैट दिस इज द करंट सिचुएशन. मीन्स चारों बैग्स पैक हमारी केविन बैग पैक बस लैपटॉप पैक ही बाकी है. बाकी तो वी आर ऑल सेट टू फाइनली लीव फॉर कैनेडा टुमारो डन. सो गाइज फाइनली टाइम टू एंड दिस व्लॉग राइट हियर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर. इफ यू एंजॉय देन प्लीज लाइक नए हो सब्सक्राइब करो बाकी मुझे प्लीज फॉलो करो इंस्टा के ऊपर नाम है मिस्टर व्लॉगर्स बिकॉज कल से शुरू होंगे इंटरनेशनल स्टोरीज. सो या मिलते हैं कल सुबह 9 बजे. टिल देन गुड बाय सायोनारा एंड दसवीं दानिया. और कल का व्लॉग शुरू होगा यहीं पे इन्हीं बैग्स के साथ. सो या दसवीं दानिया.